फिलहाल भाई हम पहुंच गए हैं हमारी लोकेशन के एंट्री गेट पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और देखो भाई, ओहो हो हो हो, क्या मस्त धूप निकली हुई है। देखो भाई, सरसों की फ्लावरिंग कितनी मस्त नजर आ रही है। अभी भाई हम आए हुए हैं स्टेडियम में। देखो, एक लड़का लड़की को बाइक चलाना सिखा रहा है भाई। ये देखो, पकड़ रखी यार भाई। इधर देखो, इधर बनी हुई है कॉलेज, बनी हुई है। अभी लड़कियों की कॉलेज नहीं थी, यहाँ पे जो बन गई है वो कल्पना चावला नाम से थी प्राइवेट, अभी गवर्नमेंट कॉलेज बन गई है। देखो भाई, लड़की ने बंद कर दी है। और ये स्टेडियम है भाई इधर खेलने कूदने का। और भाई देखो, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे है, एकदम मस्त। लेकिन ये अपनी लोकेशन नहीं है, लोकेशन पे भी पहुंचने में अपना टाइम लगेगा थोड़ा। और भाई पहाड़ों के बीच से जो रास्ते होते हैं ना भाई, वो वास्तव में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। देखो बिल्कुल खाली रहते हैं ये, मतलब यहाँ इतना व्हीकल भी नहीं चलता। देखो भाई पहाड़, कितना मस्त पहाड़ है बिल्कुल। और यहाँ पे अभी रुके हुए थे हम थोड़ी देर, बेर वेर खाने लग गए भाई। देखो इस झाड़ी में जबरदस्त बेर आ रहे हैं, पूरी तरह से लाल हो रही है झाड़ी। काफ़ी तो तोड़ लिए भाई, काफ़ी ऊपर थे ये देखो भाई। तो चलते हैं भाई लोकेशन पे। अभी आ गए हैं भाई हम मेन रोड पे। देखो ये मेन रोड है, हाँ यहाँ व्हीकल मिलते हैं भाई अधिकतर। ये भी पहाड़ों के मध्य से होके गुजर रहा है भाई, दोनों तरफ पहाड़ है देखो। और भाई अब चल रहे हैं थोड़ी दूर, बस थोड़ी सी आगे अपनी लोकेशन है, अभी थोड़ी आगे और चलना पड़ेगा अपन को अभी। और देखो भाई ये धोंक बोलते हैं इनको, कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं ये भाई। ये रोड थोड़ा मतलब बिजी रोड है, मतलब थोड़ा साधन इस पर ज़्यादा ही है कुछ। फिलहाल भाई हम पहुँच गए हैं हमारी लोकेशन के एंट्री गेट पे। ये देखो भाई, ये है भाई लवकुश वाटिका, यहाँ है। पूरा एक्सप्लोर करेंगे भाई यहाँ पे, मतलब डैम वगैरह अंदर बना रखा है सब कुछ, मस्त लोकेशन है एकदम। पर ये गेट बंद है भाई, बाइक शायद नहीं जा पाएगी, देखते हैं जैसा भी है, नहीं तो फिर दूसरे रास्ते से चलेंगे भाई। देखो कितनी मस्त पेंटिंग कर रखे हैं यहाँ पे, ये देखो भाई लवकुश की। और देखो भाई झोंपड़ी वगैरह, इधर देखो हिरन वगैरह की। और देखो भाई ऋषि मुनि। और भाई इस पेंटिंग की एक खास बात ये है कि इस जो यहाँ पे मतलब इसके अंदर मिलेगा ना भाई, जो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर रखा है, जैसे झील तालाब जो भी बना रखा है भाई, हिरण वगैरह ये सब कुछ, ये पेड़ पौधे सेम वैसे के वैसे डिप्टो अंदर बना हुआ है भाई। ये देखो इधर। और भाई किसी ना किसी तरीके से देखो फाइनली लोकेशन तक हम पहुँच गए हैं अंदर। मतलब कि जो प्रॉपर रास्ता है वो तो बंद कर रखा था भाई, लेकिन ऐसे ऐसे रास्ते से हम यहाँ बाइक को ले आए हैं। देखो ठीक भाई, ये देखो बाइक खड़ी। और इस प्रकार से है भाई यहाँ का नज़ारा। अब दिखाते हैं भाई आपको मेन चीज़ तो यहाँ की, एकदम मस्त है भाई। और देखो अभी मतलब बारिश को बंद हुए, काफ़ी दिन हो गए, सर्दियों का टाइम आ गया भाई, ये पूरा भर जाता है। देखो भाई क्या मस्त, वो झील दिखाई थी मैंने आपको पेंटिंग में, वो सेम इसी का लिया हुआ है पूरा। और देखो भाई वो छतरी है ऊपर वहाँ पर। ये भाई चारों तरफ रोड है, मतलब पूरी तरह से मतलब चालू नहीं किया है इसको, बंद तो चुका है लेकिन चालू नहीं किया है, शायद रोड रोड डालने की संभावना में है इसलिए चालू नहीं किया। देखो भाई वहाँ भी छतरियाँ हैं, और भाई इधर भी छतरी है एक, लेकिन ये पेड़ों की वजह से नहीं दिख रही। और अब चलते हैं अपन वहाँ, वहाँ से दिखाएंगे पूरा चारों तरफ का व्यू भाई, बहुत मस्त नज़ारा दिखेगा भाई। पहले हम यहाँ पे आए थे ना, तब मतलब कि यहाँ पे यहाँ से पानी निकल रहा था भाई, ये मतलब कि ऊपर बोलते हैं इसको, यहाँ से कूद रहा था पानी, लेकिन हम उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाए। देखो भाई झरने यहाँ से चल रहे हैं, देखो ये पानी निकल रहा है यहाँ से। ये बांध का पानी क्या है भाई, ये मतलब जो बोलते हैं डैम वगैरह जो भी, इसका पानी क्या है, निकल जाता है भाई, इस वजह से इसमें पानी कम पड़ जाता है, क्योंकि पत्थर ही पत्थरों के बना हुआ है ना, ऊपर पहाड़ों पर बना हुआ है इसलिए पत्थरों से निकल जाता है भाई पानी। देखो भाई जब ये बढ़ता है ना पूरा, तो यहाँ तक पानी छड़ जाता है, उसका एक नमूना मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखो, ये पानी में जो होती है ना काई वगैरह, जो देखो यहाँ तक छड़ी हुई है पेड़ की छड़ी, छड़ी पे मतलब यहाँ पेड़ लगा रखा है भाई, वहाँ तक छड़ी हुई है। देखो ये यहाँ तक बढ़ जाता है भाई, ये यहाँ तक दिख रहा है ना, तब पानी पास होता है भाई इधर से। अभी फ़िलहाल कम है पर पूरी साल तक रहेगा भाई, ये सूखेगा नहीं पूरी तरह से। तो चलते हैं भाई, अब दिखाते हैं व्यू पूरा नज़ारा, तो भाई यहाँ से दिखेगा जब हाइट पर पहुँचेंगे ना, तब मस्त दिखेगा एकदम। अब पहुंच गए हैं भाई हम टॉप लोकेशन पे, मतलब ऊपर। और देखो भाई एक बार 360 व्यू देखिए यहाँ का, फिर दिखाते हैं आपको सब कुछ यहाँ पे जो भी जैसे भी है भाई। लवकुश वाटी का नाम दिया हुआ है इसको, और ये कई जगह बनी हुई है। अब दिखाता हूँ भाई आपको, जैसे देखो एक छतरी ये रही इधर इस वाली पहाड़ी पर, एक छतरी ये रही, और एक छतरी देखो भाई वहाँ पर लोग भी हैं वहाँ पर, लड़के भी देखो घूम रहे हैं, एक छतरी हो रही। और उसमें भाई वो लकड़ी वाली वो लगा रखी है, मतलब कि लकड़ी से बना के, ये देखो भाई वो सबसे ऊंची है भाई, वहाँ जाने के लिए बाइक पास नहीं होगी भाई इसलिए। और देखो एक छतरी वहाँ पे बनी हुई है भाई, देखो वो, और जो मेन गेट था ना जहाँ से मैंने जो पेंटिंग बनी हुई थी वो भाई यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिलहाल वो दिख नहीं रहा, देखो थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, देखो ये रहा भाई। और देखो यहाँ से ही ये रोड आ रहा है भाई, जैसे बाइक वाइक लेके आने का रोड,
ये वाला आ रहा है भाई, ये इधर से फिर ये रोड यहाँ पे निकल रहा है, और भाई ये रोड फिर इस पहाड़ी के नीचे होके फिर एक तो ये भाई ये टंकी दिख रही है ना, इस टंकी के ऊपर चढ़ रहा है, एक नीचे होके जा रहा है जस्टिस टंकी के पीछे से होके जा रहा है भाई, जो तो ये वाला रोड तो भाई छतरी पे आ रहा है बस, और वो जो जा रहा है ना भाई वो वहाँ से ऐसे ऐसे करके और वहाँ पे जा रहा है भाई बिल्कुल ऊपर टॉप पे। अभी भाई हमें खाने के लिए एक बहुत मस्त चीज़ नज़र आ गई, तो चलते हैं वहीं पे ही और पहले खाते हैं। ये देखो भाई बिल्कुल लाल हो रही है पूरी झाड़ी है, और इसके बेर भी शायद मीठी होंगे मेरे हिसाब से, तो देखते हैं तोड़ के, पहले यही तोड़ते हैं भाई, यही लाल है। ये देखो भाई पूरी मोटे मोटे बेर भाई, मस्त है बेर, तो मस्त है भाई बेर, लेकिन भाई मस्त तो होंगे ना, कांटे भी ज़्यादा है इसमें जितने ज़्यादा कांटे होंगे उतने मस्त बेर होंगे। और फिलहाल भाई हम खा लेते हैं बेर वेर, और व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।